लखौरीबाग स्थित रघुराज तालाब को बचाने विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं भूमाफिया द्वारा इसके बाद भी इस तालाब को पाटने का कार्य अनवरत दिन रात जोरों से चल रहा है। जब इस मामले में तहसीलदार जितेंद्र तिवारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को दी जा चुकी है। वहीं इसके पश्चात प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए स्थगन का आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत है जानकारी। हम बताएंगे ये क्या मामला था। ये रघुराज सागर तालाब जो है राजघराने का तालाब है और इसको आम निस्तार के लिए राजघराने ने बनाया था। ये 58 एकड़ 33 डिसमिल पर बना हुआ है। 15 साल पहले भी इसको डॉक्टर नरेश चौरसिया ने गलत तरीके से दस्तावेजों में हेर फेर करके अपने नाम करा लिया। इसके बाद जब उसको तारबाड़ी से रुधवाने का काम किया तो हम लोग 5,000 की संख्या में जनता के साथ गए और उसको उखड़वा दिए। तब से निरंतर आम निस्तार के लिए खुला रहा। इसके बाद अभी 15-20 दिवस पूर्व फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे ही आ गई, उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर से शुरू हो गया ये काम। और इसमें महाराज पुष्पराज सिंह जी पूरी तरह से दोषी हैं। पुष्पराज सिंह जी का बयान है सिविल कोर्ट रीवा में कि ये तालाब है आम निस्तार के लिए है। जो लड़ाई जन संगठनों द्वारा लड़ी जा रही थी उसमें SDM हुजूर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कॉपी भेज दी गई है। और ये जो स्थगन हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर हुआ है और स्थल पंचनामा जो तहसीलदार ने पेश किया उसके आधार पर हुआ है। और इसी तरह जो है जन संगठन जो हमारे सहयोगी जन संगठन है इसी तरह वो पूरे ज़िले के अंदर तालाब बचाने, जलाशय बचाने, वन बचाने और भूमि बचाने आंदोलन जारी रखेंगे। हाँ सर, ये लखौरी बाग में जो तालाब है कब्जा किया जा रहा है, क्या मामला है सर इसमें? हाँ, लखौरी बाग में रघुराज सागर के तालाब पुराना बना हुआ था और आज भी लगभग तालाब का स्वरूप बना हुआ है, लेकिन ये उसमें कई भूमि स्वामी हो गए हैं, अलग अलग बटांक हो गए हैं, 10 बटांक हैं आज की स्थिति में। उसमें से एक चौरसिया फैमिली है जो लगभग 25 एकड़ उनके नाम से भूमि है और वो अपने नक्शा तरमीम भी है तो वो अपने हिस्से में मिट्टी वहाँ गिराई हुई है और उसको डाइवर्शन भी उन्होंने कराया है। डाइवर्शन बहुत पहले से है और उसमें मिट्टी गिराई हुई है। शासन के नियमानुसार तालाब का स्वरूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर वो निजी भूमि में है तब भी रहा है, लेकिन उसका उसी स्वरूप में ही उपयोग होना चाहिए। इसलिए अविलंब जांच करके और कल मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है SDM साहब की ओर। अब अगली कार्रवाई वहाँ से होगी और उनको रोका जाएगा।